तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी समर ड्रिंक की रेसिपी, और यकीन मानिए इसे पीने के बाद में आपके शरीर को नेचुरल ठंडक मिलेगी, आपकी भूख भी इसे दबेगी और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो ज़रूर देखिएगा रेसिपी को, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने वाली हूँ ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से अगर आप ये ड्रिंक बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इसे बनाने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए। तो ये जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये है जौ का दलिया, जो कि आप देख सकते हैं ये थैली में ही रखा हुआ है। मैंने ये चक्की से मंगवाया है, इसके पैकेट भी मार्केट में मिलते हैं, मेरे यहाँ तो ये चक्की पर मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये मोटा मोटा दलिया है, इसमें थोड़ा आटा भी है। तो ये जौ को दल करके बनाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। मेरे यहाँ पर इसे हम घाट भी बोलते हैं, तो अगर आप बोलेंगे मार्केट में जा करके कि घाट दे दीजिए तो वो आपको ये जौ का दलिया ही निकाल करके देंगे। तो आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं ये भी प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बनाने वाले हैं घाट की राबड़ी। अगर आपके पास में ये जौ का दलिया ना होना तो आप गेहूं का दलिया ले लीजिए और गेहूं के दलिए से ये ड्रिंक तैयार कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनेगा उससे भी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं बिल्कुल अलग तरीका शेयर करने वाली हूँ ये घाट की राबड़ी बनाने का, जिससे आपकी राबड़ी भी मिनटों में बन जाएगी और आपको घंटों किचन में खड़ा रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए अगर मेरे तरीके से आप ये घाट की राबड़ी बनाएंगे ना तो टेस्टी भी बहुत बनेगी। तो ये देखिए मैं इसे छान करके इसका आटा अलग कर रही हूँ और ये जो मोटा मोटा दलिया है ये अलग कर रही हूँ। इस तरह से छान लेती हूँ, पूरा आटा इसका अलग कर देती हूँ। और इस समय पर ये देखिए, अब चूँकि जो है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कोई छोटी छोटी डंडियाँ वगैरह निकले तो वो भी हम यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये देखिए मैं देख लेती हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बस एक दो डंडियाँ थी वो मैंने हटा दी हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं एक पतीले में जिसमें कि हम राबड़ी बनाएंगे। तो ये जो मैं राबड़ी बना रही हूँ ये लगभग 200 ग्राम करीब मैंने घाट ली है, जिसे छाना है उसकी मैं बना रही हूँ, और इससे भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये घाट की राबड़ी बन जाएगी। तो आटे को अभी हमने साइड में रख दिया है और ये जो दलिया हमने अलग किया है ये मैंने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें पानी डालना है। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया और इसे इस तरह से हाथों से मैं थोड़ा सा मसल लेती हूँ। इससे क्या होता है, घाट पर कई बार ज़्यादा छिलका होता है तो जब हम इसे पानी में डालते हैं तो छिलका तैर करके ऊपर आ जाता है और इस पानी को हम हटा देते हैं तो वो छिलका हट जाता है और राबड़ी पीते समय वो छिलका मुँह में नहीं आता। तो ये देखिए मैंने हाथों से मसल करके इसे वॉश कर लिया है, इस पानी को मैं हटा देती हूँ और दूसरा पानी मैं भर लेती हूँ। तो दूसरा पानी मैंने भर लिया है, जितना हमने इसमें दलिया डाला है उससे 4-5 गुना हमने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे अब हम रख देते हैं गैस पर। तो गैस मैंने ऑन कर दी है, उबाल आने देते हैं और तब तक देखिए मैंने ये एक गिलास थोड़ी खट्टी छाछ ली है। तो 1 से 1.5 गिलास हल्की सी खट्टी छाछ ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसके बाद में ये जो आटा हमने अलग से छान करके रखा था इसे इस छाछ में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। तो ये देखिए दही मथनी की सहायता से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, इससे क्या होता है इसमें कोई भी गुठली नहीं रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दलिये को तो मैंने पहले ही पकने के लिए रख दिया और इधर मैं अभी छाछ में आटा घोल रही हूँ, तो यही तो ट्रिक है इसे आसानी से बनाने की और टेस्टी बनाने की। तो ये देखिए छाछ में हमने आटा घोल दिया, इसे अब हम रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखना, बहुत ही टेस्टी बनेगी और हर बार इसी तरीके से बनाओगे इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। तो ये देखिए इसमें हल्का हल्का उबाल आ गया है, फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है इस समय पर और एक बार मैंने इसे चला दिया। इसके बाद में अब मुझे इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, दलिया जब तक पके तब तक मैं इसे लो फ्लेम पर पकने दूंगी। मैं तो जब शाम का खाना बनाती हूँ उस समय पर इसे एक साइड में बनने के लिए रख देती हूँ तो ये आराम से बनती रहती है और मैं अपना शाम का खाना बनाती रहती हूँ। तो शाम के खाने के साथ साथ ही सुबह के नाश्ते की हेडेक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में इससे लाजवाब नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। हेल्दी, टेस्टी और साथ ही नेचुरल ठंडक देने वाला,
दिन भर की गर्मी और लू से बचाने वाला। तो ये देखिए करीब 10 मिनट हुए हैं और ये दलिया अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ये जो छाछ में आटा हमने घोल करके रखा था इसे डाल देते हैं और अब थोड़ी देर के लिए हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि इस समय पर हमने इसमें छाछ डाल दी है तो छाछ फट सकती है, इसलिए थोड़ी देर इसे चलाएं। ये देखिए उबाल इसमें आ गया है। तो अब आप इसे लो फ्लेम पर पकने दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। और ये देखिए इस समय पर आप अपने हाथों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें बुलबुले निकल रहे हैं जिसकी वजह से हमारा हाथ जल सकता है। तो एक चम्मच करीब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। फ्लेम को मैं लो कर देती हूँ और इसे लो फ्लेम पर पकने देती हूँ करीब 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि ये राबड़ी बन करके तैयार है। तो ये देखिए राबड़ी बन गई है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। मैं ये शाम के समय में बनाती हूँ, तो जब ये ठंडी हो जाएगी हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए अब मैं मॉर्निंग में इसे आपको घोल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसे घोलना है। तो ये देखिए पूरी ये जो घाट की राबड़ी हमने बनाई ना, ये नहीं लेनी है, जितनी हमें घोलनी है उतनी ही हम लेंगे, बाकी बची हुई आप फ्रिज में रख करके दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये करीब 3 बड़े चम्मच जिसे हम सब्जी चलाते हैं वो मैंने लिया है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ छाछ। तो ये जो छाछ है ये बहुत गाढ़ी है, क्योंकि ये मैंने अभी दही से बनाई है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी। तो पतली गाढ़ी जैसी आपको पीनी हो ना वैसी आप इसे घोल लीजिए। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसे थोड़ी थोड़ी छाछ डाल करके घोल रही हूँ। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा। एकदम फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े आइस क्यूब भी डाले हैं इसमें और थोड़ा मैं इसमें ठंडा पानी भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें पानी, छाछ, राबड़ी जो भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। इसे घोलने का एक आसान तरीका और बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए दही मथनी ले लीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए, क्योंकि जब हम ये राबड़ी फ्रिज में रखते हैं ना तो ये थोड़ी जम जाती है और जमने की वजह से घोलने में, या तो आप इसे विस्कर से घोलिए, विस्कर नहीं है कोई बात नहीं, दही मथनी सबके घर में होती है उससे घोलिए, बहुत ही बढ़िया घोलने में आएगी। ये देखिए पानी डाल दीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। तो है ना दोस्तों कितना आसान तरीका ये घाट की राबड़ी बनाने का। अभी मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड करूंगी जिसकी वजह से ये और भी टेस्टी बन जाएगी। और आपने ये भी देखा होगा कि कितनी कम क्वांटिटी में हमने बनाई थी और कितनी ज़्यादा ये बनी है। 200 ग्राम हमने टोटल घाट ली थी बनाने के लिए, जिसमें से भी हमने 4 चमचे हमने घोलने के लिए हैं और 7 से 8 गिलास ये राबड़ी बन करके तैयार होगी। तो काला नमक डाल दिया है मैंने, जीरा डाल दिया है, मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो अब इसे ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें एक दो चीज़ें और डालूंगी तो वो मैं सर्व करते समय डालूंगी। तो ये देखिए राबड़ी को घोल लिया है हमने, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो एक गिलास ले लीजिए और गिलास में इन्हें डाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बिना चीनी के ही बनाती हूँ। बिना चीनी के ही ये बहुत टेस्टी लगती है। घर में आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट भी होते हैं तो उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट नाश्ता है। तो अब मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसे पूरी राबड़ी में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि खाना पहले आँखों से खाया जाता है, तो देखने में ऐसा लगना चाहिए कि बस झट से उठाएँ और ख़त्म कर जाएँ। तो थोड़ा सा नमक, जीरा और पुदीना मैंने ऊपर डाल दिया है और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी प्याज। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गर्मियों में ठंडक देती है और लू से भी बचा करके रखती है। तो ये लीजिए हमारा हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी ब्रेकफास्ट बन करके तैयार है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।